नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसएम कर्मी समूह के अभिनव प्रयासों से कंपनी के लिए पर्याप्त बचत प्राप्त करने में सहयोग हासिल। डॉक्टर शिखर सहाय ने आरएसपी CISF यूनिट के नए DIG के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। और राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा रज उत्सव के उपलक्ष्य में मानसून के आगमन पर नृत्य एवं संगीत की एक शाम मेघ मल्हार आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट के रिपेयर शॉप मैकेनिकल के कर्मी समूह के सृजनात्मक एवं अभिनव विचारों ने रखरखाव की प्रक्रियाओं में सुधार किया है, जिससे विभाग FMM के 55 टन क्षमता और मॉडल RT-760 के टेरेन क्रेन के सिलेंडर RSP कॉल नंबर 888 में सफलतापूर्वक नवीकरण करके कंपनी के लिए पर्याप्त बचत करने में सक्षम रहा। उल्लेखनीय है कि क्रेन के सिलेंडरों में से एक में ग्लैंड रिसाव हो रहा था और दूसरे में अन्य सिलेंडर पिस्टन का सील टूटा फूटा था, जिससे भार अधिक होने से ऊंचे में उछाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। लौह और इस्पात क्षेत्र में क्रेन की अनुपलब्धता के कारण सामग्री की हैंडलिंग गंभीर रूप से प्रभावित हुई। नए सिलेंडरों की खरीद न केवल महंगी पड़ती थी बल्कि समय भी अधिक लगता, क्योंकि प्रत्येक सिलेंडर की कीमत 20 लाख रुपए थी। इसलिए घरेलू तौर पर सील और ग्लैंड को बदलने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पहली बार RSM विभाग के हाइड्रोलिक अनुभाग के कर्मियों ने आवश्यक विशेषज्ञता के बिना ही चुनौतीपूर्ण कार्य को हाथों में लिया। 9 मीटर लंबे सिलेंडर को प्रारंभ से अभी तक खोला नहीं गया था। पिस्टन को नुकसान पहुंचाए बिना सिलेंडर को हटाने के लिए उपयुक्त फिक्सर बनाए गए थे। उसके बाद ग्लैंड और सील को सफलतापूर्वक बदल दिया गया। भविष्य में सिलेंडर से इन पिस्टन के आसान निराकरण की सुविधा के लिए और संशोधन किए गए। अंत में पिस्टन सिलेंडर के साथ वापस फिट किया गया और परीक्षण किया गया। वर्तमान में यह क्रेन सफलतापूर्वक चल रहा है। सिलेंडर के इस जोड़े की मरम्मत करने के इस अभिनव कार्य से कंपनी को 35 लाख रुपए की वित्तीय बचत हुई है। डॉक्टर शिखर सहाय ने राउरकेला स्टील प्लांट RSP की CISF यूनिट के नए उप महानिरीक्षक DIG के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर सहाय ने UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद 1992 में सहायक कमांडेंट के पद पर एक ग्रुप ए अधिकारी के रूप में CISF में कार्यारंभ किया था। उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट, फूलपुर फर्टिलाइजर प्लांट, मुंबई एयरपोर्ट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, चेन्नई सीपोर्ट और सेंट्रल कोलफील्ड्स रांची सहित विभिन्न CISF फील्ड यूनिटों में कार्य किया है। एक प्रशिक्षित प्रशिक्षक के तौर पर उनके पास प्रशिक्षण संस्थानों का व्यापक अनुभव है। इससे पहले उन्होंने अनेक प्रशिक्षण संस्थान में प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने CISF मुख्यालय नई दिल्ली में AIG प्रशिक्षण के रूप में भी कार्य किया है। डॉक्टर शिखर सहाय ने 3 स्नातकोत्तर डिग्री जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA, IIM बेंगलोर और सिरेक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका से सार्वजनिक नीति में PG कार्यक्रम और मद्रास विश्वविद्यालय से मानवाधिकार में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में डॉक्टरेट की उपाधि PhD की है। आपने 2.5 दशक से अधिक लंबे और प्रतिष्ठित कैरियर में उन्होंने भारत और विदेशों में कई पेशेवर पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव के साथ व्यापक शैक्षिक ज्ञान रखने वाले वे एक विपुल लेखक भी हैं, जिनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं सहित इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडियन पुलिस जर्नल, नेशनल पुलिस अकादमी जर्नल, CBI बुलेटिन, सेंटिनल
इत्यादि में 17 लेख प्रकाशित हुए हैं। उनकी सेवाओं के मान्यता स्वरूप उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2014 में सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया गया। उन्होंने समय समय पर विभिन्न अन्य सेवा पुरस्कार एवं मान्यताएं प्राप्त की हैं। राउरकेला स्टील प्लांट RSP द्वारा सिविक सेंटर में 15 जून को लोकप्रिय समारोह रजा उत्सव के उपलक्ष्य में नृत्य और संगीत की एक शाम मेघ मल्हार आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री गौतम बैनर्जी, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री DK महापात्रा, दीपिका महिला संगति की कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती सुमन लता, DMS की उपाध्यक्षाएं श्रीमती अनुराधा बैनर्जी, श्रीमती मीनाक्षी महापात्रा अपनी पत्नियों के साथ प्लांट के वरिष्ठ अधिकारीगण, कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य और अनेकों संस्कृति प्रेमी उपस्थित थे। देव नृत्यम, तृषा नृत्य अकादमी, भंजा कला केंद्र, नूपुर, नृत्य मधुरम, त्रिभंगी कला परिषद एवं श्री जगन्नाथ कला परिषद ने आकर्षक नृत्य ओडिसी, लोक नृत्य एवं फ्यूजन नृत्य के माध्यम से उत्सव की विभिन्न बारीकियों को सुंदरता से प्रदर्शित किया। खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए नृत्यों में से रज उत्सव से जुड़े मज़ेदार आनंद खेल मधुरता को दर्शाया गया, जो चिलचिलाती गर्मी के बाद मानसून के आगमन की खुशी जाहिर करता है। RSP के जनसंपर्क विभाग के शशांक पट्टनायक ने सुश्री प्रतिमा के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।